बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हमारे लच्छन। और आज हमारे लच्छन में आप जो देखेंगे, आपको देखकर भी और सुनकर भी बहुत खुशी होगी। हम एक छोटा सा प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हम आपको बताएंगे जो डिज़ाइनर्स हैं, जो बहुत ही अच्छे ब्रांड्स हैं, उनकी स्पेशल टेक्निक्स और टिप्स जो वो अपने ड्रेसेस को बनाने के लिए यूज़ करती हैं। और उसमें सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे मटेरियल। अगर आपने एक बहुत ही अच्छा सा सेटअप बनाना है कटिंग एंड स्टिचिंग का, और अगर आप टेलर हैं, आप कपड़े स्टिच करती रहती हैं, या फिर आपको अपने कपड़े बहुत ही अच्छे और डिज़ाइनर स्टाइल के कपड़े सीने का बहुत शौक है, तो उसके लिए हम आपको सिंपल सा आज एक बताएंगे कि आपके पास कौन सा मटेरियल है जो ज़रूर होना चाहिए। अगर आप ये मटेरियल अपने पास रखेंगे तो आपको बहुत ही ईजी रहेगा और बहुत ही आसानी रहेगी अपने कपड़ों को स्टिच करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको चाहिए एक सिलाई मशीन, वो तो यकीनन आपके पास होगी क्योंकि आपने स्टिचिंग जो है वो सिलाई मशीन पर ही करनी है। तो फिलहाल मैं अभी आपको अपनी सिलाई मशीन नहीं दिखा रही, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। तो उसके अलावा आपको कटिंग के लिए चाहिए सीजर्स, ये कैंची आपको एक छोटी और एक बड़ी कैंची अगर आप अपने पास रखें तो, और कोशिश करें ऐसी कैंची रखें जिसकी कटिंग बहुत ही अच्छी हो। नेक्स्ट जो चीज़ आपको चाहिए वो है कटिंग पैटर्न बनाने के लिए कटिंग पेपर। ये पेपर अगर आपके पास होगा, इससे आपको डिफरेंट स्टाइल बनाने में बहुत आसानी रहेगी। आप जैसा कि आप अक्सर बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के और बहुत ही स्टाइलिश किस्म के ड्रेसेस देखते रहते हैं और फिर आपको समझ में नहीं आती कि आप उसे किस तरह से कट करें, किस तरह से स्टिच करें, तो ये कटिंग पेपर अगर आपके पास हो, या फिर अगर ये ना भी हो तो आप अखबार भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके पास एक कटिंग पैटर्न होगा तो आपको अपने कपड़ों को कटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा। हम आपको बताएंगे आगे कि आप अपने ड्रेस के हिसाब से की अपने ड्रेस का की पैटर्न कैसे कट करेंगी, और फिर उस की पैटर्न से आप अपने ड्रेस का हर स्टाइल किस तरह से कट कर सकती हैं। नेक्स्ट जो आपको चीज़ चाहिए वो है चिप्स बुकरम। ये चिप्स बुकरम जो है वो दो तरह की होती है, एक हार्ड होती है, एक ये मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो ये वाली कटिंग ये चिप्स बुकरम होती है। तो अगर आपको आपके पास ये भी हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए क्योंकि आपको किसी भी डिज़ाइन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे जो आपको स्टिचिंग के लिए छोटे छोटे मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपके पास होगा, और अगर आप इसे अपने पास रखेंगी तो एक बॉक्स बना लें। एक बॉक्स आपके पास ज़रूर हो जिसमें आप अपना ये ज़रूरी सामान रखेंगी। तो उसके लिए आपके पास ग्लू होना चाहिए। जैसे जैसे चीज़ें निकलती रहेंगी मैं आपको दिखाती रहूँगी जो चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको दिखाऊँगी ये है सुइयाँ। आपके पास डिफरेंट सुइयाँ ज़रूर होनी चाहिए, बारीक सुई, मोटी सुई, इसके अलावा मशीन की सुइयाँ, और इसके अलावा कॉमिन पिन का, ये वैसे तो मैंने पूरा एक ये डिबिया रखी हुई है, आप देख सकती हैं कि ये कॉमिन पिनों की डिबिया है। तो कॉमिन पिन भी आपको ज़रूर चाहिए ताकि आप अपने पैटर्न को अपने ड्रेस पर जमा सकें। और इसके अलावा आपको स्टिचिंग के लिए अगर आपके पास कॉमन पिन हो तो आपको स्टिचिंग करने में बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल साबित होंगी। तो अगर आप ये भी अपने पास होंगे तो ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इन सब चीज़ों के रेट्स भी बता दूंगी, बहुत ज़्यादा ये महंगी चीज़ें नहीं हैं। इसके अलावा आप ग्लू ज़रूर अपने पास रखें। आपको छोटी छोटी चीज़ें अपने बंचेस या फिर लेसेस, इनको सही तरह से अपने ड्रेस पर जब स्टिक करना होगा आप लाइट सा ये लगाएं अपने ड्रेस पर अपनी लेस को, या फिर आपने पैच लगाना है या फिर कोई मोटिव लगाना है उसको पहले इससे सेट कर लें, उसके बाद उस पर आप सिलाई से या फिर सुई से उसको पक्का करेंगी तो आपको सीने में और बनाने में बहुत ईजी रहेगा। तो हम आपको सारी वो चीज़ें बताएंगे जिससे आप बहुत ही ईजीली अपना काम कर सकें। इसके अलावा आपके पास टिच बटन होने चाहिए, ये आप अक्सर अपने कपड़ों में यूज़ करती रहती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक टिच बटन की मदद की ना होने की वजह से आपका ड्रेस जो है वो इनकम्प्लीट पड़ा रहता है। ये सुइयाँ जो हैं ये भी अगर आप कॉमन पिन ना लेना चाहें तो ये सुइयाँ आप ज़रूर रखें,
इससे भी हम आपको बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ देंगे, और आप जब इनके काम देखेंगे इसकी मदद से जो हम चीज़ें बनाएंगे आगे अपने ड्रेसेस के लिए, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। ज़रूरी नहीं है आप ये सारा मटेरियल ज़रूर अपने पास रखें, आप फ़िलहाल चाहें तो जो आपको ज़रूरी लगे वो मंगा लें। अगर आप ग्लू ना रखना चाहें तो ये ग्लू की तरह ही एक ट्यूब है, ये यूज़ होती है, जो ये ट्रांसपेरेंट होती है, और आप इसे भी इसीलिए यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा आपके पास इंच टेप होनी चाहिए, ये जो टेलर टेप भी कहलाती है, इस ताकि आप मेजरमेंट ले सकें इजीली अपने ड्रेसेस की इससे। इसके अलावा आपके पास होने चाहिए डिफरेंट स्टाइल के पर्ल्स, ये देख सकती हैं आप, मैंने छोटे बड़े काफ़ी स्टाइल के पर्ल्स रखे हुए हैं। इससे ये होता है कि अगर आप बटन्स बनाना चाहें या अपने ड्रेस को एक डिफरेंट स्टाइल देना चाहें तो बहुत इजीली दे सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके पास ये दो तरह के मशीन के पाँव ज़रूर होने चाहिए। ये एक पिको वाला पाँव है, ये आप देख सकती हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा डिफरेंट चीज़ों को लगाने में। और सेकंड जो है, ये दूसरा जो हमारे पास है, ये सिंगल पाँव कहलाता है। अजान सुन लें पहले। हाँ तो फ्रेंड्स, आपके पास ये सिंगल पाँव ज़रूर होना चाहिए। आप जो भी पाइपिंग लगाती हैं या फिर आप जो अपने इनर लगाती हैं घेर पर और टाक पर, उसके लिए ये पाँव आपको बहुत मदद करेगा। ये बहुत ही इजी तरीके से आपकी जो पाइपिंग है या फिर आपका इनर है उसको लगाएगा, और ये आपको हर जगह आसानी से मिल सकता है, बहुत महंगा नहीं है। ये दोनों पाँव जो आप देख रही हैं बहुत ज़्यादा महंगे नहीं मिलते, आसानी से आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है, आपके पास ये चौक होना चाहिए। अगर आप ये चौक रखेंगे ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये टूट गया है वैसे, अगर आप चाहें तो सिंपल बोर्ड चौक भी ले सकती हैं। अगर आपको पास फौरी तौर पर चौक अवेलेबल ना हो तो आप, अगर आपका जो साबुन ख़त्म हो जाता है पुराना, उसकी पतली सी एक लेयर बच जाती है आखिर में जिसे फेंक देते हैं, उसे भी रख सकते हैं चौक के तौर पर यूज़ करने के लिए। ये हम आपको एक छोटा सा ऐसी तरीका बता रहे हैं अगर आप करना चाहें तो, जैसे कि हम छोटे छोटे अपने घर में एक घरेलू टोटके यूज़ करते रहते हैं। इसके अलावा ये आप देख सकती हैं कि ये फिरकियाँ एक्स्ट्रा आपको ज़रूर अपने पास रखनी है। रीलें आपके पास, ये तीन कलर बहुत ही कॉमन होते हैं, डिफरेंट ड्रेसेस में यूज़ होते हैं, ये तीन कलर की रीलें अगर आप रखेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। अक्सर ड्रेसेस में ये दो कलर तो बहुत यूज़ होंगे, आप इन्हें काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, एक ये नेल पॉलिश है, ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश, ये आपको डिज़ाइनर्स के लिए, जो डिज़ाइनर्स हैं वो इसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हम आपको इसका यूज़ बताएंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। एक यूज़ तो मैं आपको अभी भी बता सकती हूँ कि इसका कैसे यूज़ करेंगे आप। फ्रेंड ये देखें, ये मैं दो बटन्स लेकर आई हूँ, आप देख सकती हैं ये मेटल के साथ जो है वो लगे हुए हैं। वैसे तो ये मैंने बहुत सस्ते लिए हैं बटन, ये दोनों थोड़े से डिफरेंट आप देख सकते हैं, इसके नीचे मोती है और इसके नीचे ये लगा हुआ है। तो इसका जो यूज़ है वो यहाँ कर सकती हैं आप। अगर आप इस तरह की एक मेटल का बहुत ही सस्ता सा वो लेती हैं बटन या कोई भी चीज़, ये बहुत जल्दी ब्लैक हो जाते हैं, इनका जो मेटल है ये बहुत जल्दी ब्लैक हो जाता है। तो अगर आप इसको इस पर इस तरह से सिर्फ एक कोट कर लेंगी तो ये आप इसके ऊपर परफ्यूम यूज़ करें या फिर इसको ये धुलते वक्त धुल जाए या ऐसे हवा लगे या कुछ भी हो, ये तकरीबन 6 से 8 माह तक बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। तो जो डिज़ाइनर है अपने, अक्सर सुना होगा कि वो बड़ी महंगी चीज़ें देते हैं और फिर कहते हैं ये हमारी चीज़ है, इसकी कलर की गारंटी है, कभी भी ख़राब नहीं होगा और ऐसे नहीं होगा और वैसे नहीं होगा। उसका उसकी वजह ये होती है, या तो उन्होंने इस पर लैकर स्प्रे कर लेते हैं एक, या फिर वो इसका कोट कर लेते हैं, तो ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। और अगर इसे आप ऐसा ना करें तो ये ब्लैक हो जाता है। तो ये इस चीज़ को वो फिर इस चीज़ की, सिर्फ इतनी सी चीज़ की वजह से इसके रेट तकरीबन वो 4 गुना बढ़ा लेते हैं।
तो इसका एक फ़ायदा यह है। सेकंड, इसका जो यूज़ है आप अपनी ज्वेलरी में कर सकती हैं। अगर आपको ज्वेलरी जो है वो एलर्जी करती है, आपको मेटल एलर्जी करता है, आप इयररिंग्स नहीं पहन सकती हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहन सकती, या फिर अगर आपने रिंग या फिर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप आर्टिफिशियल नहीं पहन सकती हैं, तो आप उस पर इसका एक कोट कर लें। एक तो उस चीज़ का कलर ख़राब नहीं होगा। अगर आपने कोई भी, या आप किसी भी कंपनी की ले सकती हैं, तो इससे एक तो आपको एलर्जी नहीं होगी, सेकंड उस जो आपकी ज्वेलरी है वो ख़राब नहीं होगी, वो हमेशा जो है वो वैसी ही रहेगी। अगर आप उसे रेगुलर यूज़ करेंगी पहनने के लिए, तो भी तकरीबन 6 माह तक उसका कलर और उसकी जो शेप है वो बिल्कुल सही रहेगी, उसका बिल्कुल कलर ख़राब नहीं होगा, गोल्डन कलर बिल्कुल का वैसा रहेगा। तो इसका यूज़ आप इसके अलावा बटन में कर सकती हैं। अगर आप बटन लगाने के बाद बटन की बैक साइड पे इसको एक हल्का सा कोट लगा देंगी, तो बटन जल्दी से टूटेंगे नहीं। तो इसके बहुत सारे यूज़ हैं। फिलहाल मैं आपको ऐसे ही सिंपल से, फ्रेंड्स अभी हमने आपको इसके सिंपल से यूज़ बताए हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे अपने कुछ लेसेस भी शेयर करेंगे, आपको ये भी बताएंगे इन लेसेस के क्या नाम हैं और ये कहाँ कहाँ किस तरह से यूज़ हो सकती हैं, उनको डिज़ाइनर किस तरह से यूज़ करते हैं। हम आपको डिटेल में एक कटिंग की वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन स्टार्ट की वीडियो थोड़ी डिटेल में होगी, लेकिन बाकी नेक्स्ट वीडियोस हम इंशाल्लाह ताला टू द पॉइंट बनाएंगे। इसी तरह हम आपको स्टिचिंग भी थोड़ी स्टार्ट की वीडियो में थोड़ी सी डिटेल में दिखाएंगे, ताकि हम आपको उसकी जो बेसिक टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो बता सकें। तो आप हमारी जो स्टार्ट की 3 या 4 वीडियोस हैं उनको ज़रा गौर से देखिएगा, उसमें आपको बहुत सी टिप्स मिलेंगी, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। तो फ्रेंड दुआओं में याद रखिएगा।